पाकिस्तान हुक्मरानों को भारत से कितनी नफरत है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के एक स्कूल में भारतीय गाना बजाने पर उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल कराची के एक स्कूल में बच्चों को दुनिया भर की संस्कृतियों से अवगत कराने के लिए सांस्कृतिक आयोजन किया गया था, जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन पर भारतीय ध्वज लगाया गया था। साथ ही बॉलीवुड के एक गाने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की धुन पर बच्चे नाच रहे थे। बता दें कि कराची के मामा बेबी केयर स्कूल पाकिस्तानी बच्चों को केवल दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों से रूबरू कराना था, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इस आयोजन की वजह से इस स्कूल की सभी ब्रांचों की मान्यता रद्द कर दी है। दरअसल पाकिस्तान की ये वाहियात हरकत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के नया पाकिस्तान बनाने के दावों के बीच सामने आई है। गौरतलब है कि पाक आर्मी के रहमो करम पर जब से इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए हैं, वो तभी से एक नया पाकिस्तान बनाने की बात बार बार दोहराते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस गिरी हुई हरकत से एक दफा फिर साफ हो गया है कि पाकिस्तान के दिल में भारत के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। ये किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान हर वक्त भारत और भारतीयों के खिलाफ साजिशें रचने का काम करता है। कभी भारत के गाने बजाने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर देता है, तो कभी भारत के बहादुर जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कायरतापूर्ण तरीके अपनाता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में कुछ चुनिंदा लोग हैं जो पाकिस्तान की इस तरह की हरकतों पर आंखें मूंद लेते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत के उन लोगों को जरूर जवाब देना चाहिए जो पाकिस्तान की वकालत का कोई मौका नहीं छोड़ते। जवाब उनको भी देना चाहिए जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जवाब तो तथाकथित लिबरलों को भी देना चाहिए जो इंसानियत और मानवता की हदों को बार बार पार करने वाले पाकिस्तान के कलाकारों को भारत और बॉलीवुड में काम करने की वकालत करते हैं। इस वक्त जब पूरा भारत एक स्वर में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है, तो भारत का खाने वाले, भारत में शोहरत कमाने वाले, लेकिन अपने दिल में पाकिस्तान के प्रति नर्म रवैया रखने वाले को सामने आना चाहिए और पाकिस्तान की इस एकदम गिरी हुई हरकत के खिलाफ दो शब्द तो बोल ही देना चाहिए, वरना ये देश और इस देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।